कॉलेज चलेगा, अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, स्कूल कॉलेज सब चलेगा, सबको भी रोकने का प्रश्न नहीं है, कॉलेज चलेगा, अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, स्कूल कॉलेज सब चलेगा, सबको भी रोकने का प्रश्न नहीं है। वैसे लोगों के मन में बिहार में तो यही नहीं, लोगों को लग रहा है कि बिल्कुल समाप्त हो गया। अच्छी बात है, लोगों के मन में भावना है, लेकिन फिर भी लोगों को सजग और सचेत करना है कि साहब सब लोग सचेत रहें और राज्य सरकार की तरफ से जितना काम किया जा रहा है वो लोगों के हित में, तो हम लोग एक एक चीज़ पर कॉन्शस हैं, देखेंगे और लोगों को सजग और सचेत भी रखेंगे। सभी 12 मनोनीत सदस्यों को मेरी तरफ से बधाई है, और आप जानते ही हैं कल ही कैबिनेट ने डिसीजन लिया, फिर गवर्नर साहब को गया, गवर्नर साहब के यहाँ से अनुमति मिली, और उसके बाद आज के लिए जो कार्रवाई होती है वो सब कुछ किया गया, जो निर्वाचन विभाग है उसको ये जिम्मेवारी दी गई है, तो इन सब लोगों के द्वारा जो किया गया और ये सारी चीज़ें सारी सूचनाएं यहाँ पर आ गई, और आज विधान परिषद के माननीय सभापति महोदय ने आज ही शपथ ग्रहण करा दिया, ये बहुत अच्छा हुआ लोगों के लिए, और खुशी की बात है अब ये जगह जो खाली थी अब कोई जगह खाली नहीं है, बहुत अच्छा है, सब लोगों को अपनी भूमिका निभाने का मौका मिलेगा, और अभी तो 24 तारीख तक चलने वाला है, इसलिए अच्छा हो, इसमें से कई लोग हैं जो पहले भी माननीय सदस्य रहे हैं विधान परिषद के, कई लोग नए भी हैं, सब लोगों को इसका सदन के कार्यक्रम में वो भाग लेते रहेंगे, इससे उनको अच्छा लगेगा, तो मेरी सबको बधाई। सर एक महत्वपूर्ण मीटिंग आज पीएम के साथ हुई है कोरोना को लेकर, हाँ कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री ने सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, और उसमें प्रेजेंटेशन भी हुआ सबसे पहले क्या स्थिति है, और खास करके जिन राज्यों में पहले की तुलना में ये बढ़ रहा है उनके मुख्यमंत्रियों को भी जो कुछ भी कहना था उन लोगों ने भी कहा है, लेकिन आप जानते हैं कि हम सब लोग इसके लिए सचेत हैं, अभी तो बिहार की स्थिति वैसी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतिदिन हम लोग इस बात को लेकर के सजग रहते हैं, और आप जानते हैं कि कहीं से भी कोई बाहर से आते हैं तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है, अभी कुछ ही जगहों पर जो बाहर से लोग आए और उनको जो देखा गया उसमें कई लोगों का पॉजिटिव निकला, तो ये तो बिल्कुल पूरे तौर पर इसको देखना पड़ेगा, और प्रतिदिन भी इसको लेकर के है, और एक दिन तो अभी दो दिन के बाद ही एक मीटिंग हम फिर जिला स्तर से लेकर के सब जगह के लोगों के साथ हम बैठक करने वाले हैं, और आज भी बातचीत हुई है कि क्या क्या करना है, और जो आप जानते हैं कि टेस्ट का काम, तो टेस्ट का काम बहुत हो रहा था, अब वो उसकी संख्या घट गई थी, तो बीच में ही हमने कहा कि इसको फिर से बढ़ाना है, तो कल ही लोगों ने बैठ करके तय किया कि इसको फिर 70,000 तक कम से कम ले जाएंगे, और RT-PCR से ही ज़्यादा जाँच हो उसके लिए भी आज हमने बातचीत कर ली है कि अधिक से अधिक जाँच RT-PCR से हो, इसका भी सब इंतजाम किया जा रहा है, वो सब काम तेज़ी से, और जहाँ तक जानते हैं वैक्सीनेशन का भी काम अपने यहाँ पूरे तौर पर हो रहा है, और सब लोगों को उसके लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो ये काम तो हो ही रहा है, लेकिन हर सूरत हाल में भले ही आज हम लोगों के यहाँ स्थिति वैसी नहीं है जो कई राज्यों में, लेकिन सचेत रहना, क्योंकि हम प्रतिदिन देखते हैं किसी दिन 20 होता है तो किस दिन 40 हो जाता है, किस दिन 48 हो जाता है, तो प्रतिदिन 8 बजे के बाद पूरे दिन का फिगर मेरे पास आता है, और रात में 9 बजे हम लोगों के साथ जो इस काम को देखते हैं उनके साथ हम बातचीत करते हैं, तो उस मामले में रहते हैं, और अभी तुरंत ये एक मीटिंग भी रख दिया जैसा हमने आपको कहा शनिवार को, फिर सब जगह का, क्योंकि आप जानते हैं कि लोग बिहार के लोग तो हर जगह विभिन्न राज्यों में काम करते हैं रहते हैं, तो सबको आने का अपने घर में अधिकार है, आते ही रहेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों को देखना जांच करना, कोई भी बाहर से आते हैं तो इन सबको देख लेना बहुत ज़रूरी है, और लोगों को सजग करना, वैसे लोगों के मन में बिहार में तो यही नहीं, लोगों को लग रहा है कि बिल्कुल समाप्त हो गया, अच्छी बात है लोगों के मन में भावना है, लेकिन फिर भी लोगों को सजग और सचेत करना है कि साहब सब लोग सचेत रहें, और राज्य सरकार की तरफ से जितना काम किया जा रहा है वो लोगों के हित में, तो हम लोग एक एक चीज़ पर कॉन्शस हैं, देखेंगे और लोगों को सजग और सचेत भी रखेंगे। स्कूल कॉलेज चलेगा, अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, स्कूल कॉलेज सब चलेगा, सबको भी रोकने का प्रश्न नहीं है, लेकिन हाँ जो आप जानते होली का अवसर है, इस होली के अवसर पर
तो पहले से निर्णय हो गया है कि बहुत चीज़ सार्वजनिक रूप से कुछ मत करिए, तो ये सब लोगों को सुझाव और सलाह दिया गया है कि इन सब बातों को देखा जाएगा। लेकिन ज़रूरी इस बात की है कि लोगों को इस अवसर पर महसूस करें, और होली का अवसर होता जानते ही हैं, कोई भी आदमी जो बाहर रहता अपने घर पर जाता तो ठीक है, घर पर जाता अच्छी बात है, लेकिन सब चीज़ों के प्रति लोगों को जागरूक रहना है। बाहर से लोग आएंगे, मर्यादा टूट रही है, भाषा की मर्यादा टूट रही है, पहले विपक्ष भाषा की मर्यादा तोड़ता था, अब मंत्री तोड़ने लगे हैं, और इस इवन की आसन को टारगेट कर रहे हैं, उंगली दिखा रहे हैं। असल हम आपको बता दें कि आज हम जो प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग थी उसमें हम व्यस्त थे, और दूसरी बात है कि आज जो कल हम लोगों ने उन्होंने जो रिकमेंडेशन किया था, गवर्नर साहब ने कल ही इसको एक्सेप्ट कर लिया, और उसका जो काम था, तो मेरे मन में ये बात थी कि ये जल्दी से जल्दी लोगों का ओथ भी हो जाना चाहिए, लेकिन बीच में हमको कुछ जानकारी मिली, आने के बाद हमने बातचीत की है, और कल हम देखेंगे सदन की कार्यवाही कल पूरी होगी, उसके बाद हम लोग भी बैठ करके एक एक चीज़ को देखेंगे। सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और जो स्पीकर साहब हैं उनका जो एक महत्व है हाउस को चलाना, तो सब लोगों को एक प्रतिष्ठा का ख्याल करना चाहिए, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो कुछ भी बातें आई है, कुछ बात हुई है, सब लोगों ने अपना कर लिया, जिनसे कोई भूल हुई है उन्होंने इस बात के लिए क्षमा भी ले लिया है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग एक बार और करेंगे, लोगों को कम से कम बिल्कुल कॉन्शस करना, लोगों को सचेत करना ही नहीं, ये पता नहीं आपके पास तो सीमित अधिकार है ना, तो उसके बारे में लोगों की कोई भी राय होती है उसको क्या कहेगा इस मामले में, और चीजों में राजनीति में किसी को कुछ कहने का, कुछ बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल है कि आपके एक मंत्री है रामसूरत राय, जिन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव, और वो साक्ष्य भी प्रकट दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इस पर सरकार चुप क्यों है, जहाँ से शराबबंदी के तहत पे शराब बरामद हुआ था वहाँ थाने क्यों नहीं खोले जा रहे हैं, क्या लगता है कि मंत्री के ऊपर इतने बड़े गंभीर आरोप हैं उनके परिवार के ऊपर, तो क्या कोई कार्रवाई हो रही है या क्या बात? देखिए, श्री रामसूरत राय जी ने कल बहुत स्पष्ट रूप से बात किया, और जब ये बात कही गई थी तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि उनका कोई रिश्ता नहीं, उनके परिवार का बंटवारा पहले से हो चुका है, और उन्होंने कभी नहीं कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर इसके लिए जिम्मेवार है तो उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अनावश्यक उनके ऊपर जो कुछ भी किया गया, उन्होंने पूरे तौर पर कल इसका उत्तर भी दे दिया, और आप अच्छी तरह जान लीजिए, मैं आप लोगों को विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी किया गया है, शराबबंदी का जो निर्णय लिया गया 2016 में, आप जानते हैं हाउस के अंदर किस तरह से सर्वसम्मति हुई है, सब लोगों ने एक साथ वचन दिया, और उस समय तो महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन विपक्ष में बीजेपी और अन्य दल के लोग थे, सब लोगों ने इसका समर्थन किया, और जो कानून में एक एक अमेंडमेंट किया गया था और कुछ और लाया गया था प्रस्ताव, ताकि इसके बारे में कार्रवाई, सब लोगों ने इसको सहमति दी थी, सब लोगों ने खड़ा होकर के संकल्प लिया था, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से इसको लेकर के हम लोगों ने मानव श्रृंखला का आयोजन किया था, पत्रकार कितनी बड़ी संख्या में वहाँ पर थे, उन लोगों ने भी एक साथ खड़ा होकर के शराबबंदी के पक्ष में संकल्प लिया था, जो भी काम हुआ था आप अच्छी तरह याद है उसमें, तो ये सब काम किया गया है, वो 17 की बात है, जनवरी 17 में, तो उसमें भी सभी दल के लोग भाग लिए थे, और ये सब काम हो रहा है, तो उस समय तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस चीज़ को आगे चलाना है, और हम लोग इस बात को मानते हैं कि बापू ने कहा है, राष्ट्रपिता ने कहा है, और हम लोग ये मानते हुए इस बात को कर रहे हैं, और किस तरह से महिलाओं की मांग थी उनकी बात को स्वीकार करके हम लोगों ने मजबूती से काम किया है, और देख लीजिए हम निरंतर लोगों को इस बात के लिए बराबर कहते रहे हैं कि इस पर सजग रहिए और देखते रहिए, और आप जान रहे हैं कि इन दिनों बाहर से जो कुछ भी कर रहा है वैसे कितने लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, पूरे तौर पर कौन सा, आप अच्छी तरह जान लीजिए, हम ज़्यादा दिन वेट नहीं करते हैं, कुछ ही कुछ दिन पर सभी कंसर्न लोगों को बुला करके हम एक एक चीज़ की बात करते हैं, आप इसके बारे में अगर किन्हीं को पता है तो उसके बारे में तो बाजाब्ता बनाया हुआ है, वो फ़ोन पर दे सकते हैं कोई भी सूचना कि कहाँ कौन गड़बड़ी करने वाला है, और उसका नाम उजागर नहीं किया जाएगा, और उसके आधार पर कार्रवाई होती है, सब कुछ किया गया तो कहना ना चाहिए अगर उसके बारे में कर रहे हैं, वैसे तो कोई भी दावा नहीं कर सकता कि आप समाज में कोई भी काम करिएगा तो हर मनुष्य एक मत का हो जाएगा,
ये तो संभव ही नहीं। आप तो जानते हैं ये नेचर का ही आज से नहीं सब दिन से, चाहे धार्मिक चीज़ों को देखें या ऐतिहासिक चीज़ों को देखें, समाज में कुछ तत्व ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही गलत रास्ते पर चलते हैं और गलत काम करते हैं, इसलिए ये सब तो होता ही है। क्राइम को रोकने के लिए कितना कानून बना है, फिर भी होता है या नहीं होता, कार्रवाई करनी पड़ती है, नियंत्रण की कोशिश की जाती है, लेकिन आप कितना भी कर लीजिए, दुनिया भर में देख लीजिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ही, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो बायां दायां करेगा ही, लेकिन किसी को हमारी तरफ से पूरा का पूरा गाइडलाइन है। और बीच बीच में हम बिल्कुल जल्दी जल्दी भी हम बात करते रहते हैं लोगों से, जहाँ भी कोई समाचार पत्रों में कोई खबर आती है हम उसको देखते हैं, नज़र रखते हैं, और एक एक बात हम अधिकारियों के साथ और इससे जुड़े हुए जो दो विभाग के लोग हैं उनको और बाकी जितने एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं सब लोगों को सचेत किया जाता है। और आप अच्छी तरह जान लीजिए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या शराबबंदी का मामला हो या कोई भी विषय हो, सब के लिए निरंतर हम बात करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन पुनः हम दोहरा करके कहेंगे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा ही, कॉन्शियस रहना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है ताकि कम से कम। इसलिए आप देख रहे हैं, कल भी बताया है गृह विभाग की तरफ से जिनको जिम्मा दिया गया था श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने, कि क्राइम कितना घटा, हर चीज़ के बारे में बात हो रही, तो शराबबंदी के बारे में अगर कोई बात होती है तो सबको कॉन्शस होकर के लोगों को सचेत करना चाहिए। और हर बार हम बताते हैं कि किस तरह से WHO ने पूरे दुनिया का अध्ययन किया और 2018 में उन लोगों ने प्रकाशित किया कि किस तरह से लोगों की मौत होती है और कितनी बुरी चीज़ है, तो एक एक चीज़ के बारे में तो कहना ही चाहिए। और हम लोग सजग हैं भाई, लेकिन कहीं से भी वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसका किसी भी प्रकार से इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। तेजस्वी जी का सर कहना है कि मंत्री जी के भाई का, उनको जवाब दे दिया जाए, मंत्री जी के भाई का सर FIR में नाम है, अगर नहीं गिरफ्तारी होती है, पूरी बात वो बोल चुके हैं, एक एक बात सफाई दे चुके हैं, उसको देख लीजिए और उनसे ही पूछ लीजिए एक एक बात। आपको शराबबंदी के 5 साल होने तो सीएम आवास का घेराव, शराबबंदी का तो है ही, इसको तो हम जब तक हम छोड़ेंगे थोड़ी, हम तो पूरा मुस्तैदी से लागू करते रहते हैं। और पहले की तुलना में आप देख लीजिए कि ज्यादा कितनी कार्रवाई हो रही है, कितने बाहर के लोग इतना कभी पकड़ाए थे और कितना सब कुछ पकड़ा जा रहा है, वो यहाँ से वहाँ लेकर के जाता है, पकड़ा रहा, सब तरह की कार्रवाई हो रही है। हम तो आप लोगों से भी विनम्रता पूर्वक आग्रह करेंगे, आप लोग भी नजर रखिएगा और अगर कहीं से भी खबर हो तो जो फोन पर जरूर कहिएगा।